वेलकम स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्टेट्स। चूंकि हम इससे पहले वाले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल और स्पेक्ट्रोस्कोपी फुल टर्म सिंबल, इसके बाद आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स जो रहता है इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन है D1 में, तो D1 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है वो आपको माइक्रोस्टेट में काउंट होता है। जैसे D1 के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन D2 में जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें, इसमें और इसमें, इस प्रकार से। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग बदलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ सकता है, इस प्रकार से नीचे नीचे। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टेट बनते हैं। तो D1 के लिए जैसे 5 ये और 5 अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुल कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो इसे फार्मूले के थ्रू, जैसे D1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो आपको आसान होगा, लेकिन अगर D2, D3, D4 की तरफ जाते जाएंगे तो आपके लिए इसे काउंट करना और अरेंज करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, जिस फार्मूला पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये आंसर दिखाएगा। माइक्रोस्टेट के लिए फार्मूला जो होता है वो फार्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर होता है, जहां पे आपको ये जानना है कि n मतलब क्या होगा। n मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि उस ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और दूसरा r जितना आपने उसमें लिया है, ठीक है, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट डेथ ऑर्बिटल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, लेकिन हमने अभी कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया हो, किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसमें आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन आर की जगह आएगा आपका एन का मान होगा 10 और आर का मान होगा 1, तो ये हो जाएगा आर, आर के लिए 1 आएगा और फैक्टोरियल 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप D2 के लिए निकालना चाहेंगे तो D2 के लिए आपके लिए माइक्रोस्टेट आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 जो हमेशा सेम रहेगा, r का मान हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू रखेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपके पास बचेगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना आएगा, 9 टू 5 इक्वल टू 45। ये D2 के लिए माइक्रोस्टेट है और ये है आपका D1 के लिए माइक्रोस्टेट है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये D2 के लिए था, जैसे एग्जांपल मुझे P के लिए निकालना है, P2 के लिए, तो P2 के लिए माइक्रोस्टेट के लिए फार्मूला जो आएगा वो सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होगा। जैसे फैक्टोरियल n अपॉन होता है फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r होता है, तो माइक्रोस्टेट के लिए फार्मूला में n की वैल्यू हो जाएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 6, क्योंकि आपको पता है कि P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6 और r इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 4। आप फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 6, तो फैक्टोरियल 6 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू आएगा 15। ये किसके लिए है, P2 के लिए, ओके।